अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। आज मैं बात करने वाली हूं अंडों के बारे में, एग्स के बारे में। मैंने एग्स की वीडियो ऑलरेडी एक बनाई हुई है, और अगर आप सर्च बार में लिखें एग्स तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और बहुत तफसील से मैंने अंडों के बारे में एक बहुत ही तफसील वीडियो बनाई है, जो कि आप देख सकते हैं। वो मैं बाद में ऊपर लिंक डाल दूंगी, तो यू कैन वॉच दैट एज वेल। बहरहाल, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लगता है मैंने दुनिया की हर बात कवर कर दी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इतने सवाल आते हैं कि मुझे लगता है कि आई हैव मिस्ड आउट सो मच इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कहा कि मैं दोबारा एक और वीडियो बनाती हूँ। मैं आई विल नॉट रिपीट जो कि मैंने उस वीडियो में जो बातें की थी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तो मैं थोड़ा सा उसकी समरी बता दूंगी, ठीक है। जब हम अंडे की बात करते हैं तो अंडे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस, और इसको हम कहते हैं कि नेचर्स विटामिन। बिल्कुल, ये विटामिन की तरह काम करता है। इसमें तमाम किस्म के विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, सब विटामिन्स हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। इसका जो अंडे का जो योक होता है, उसमें तमाम किस्म के विटामिन्स हैं। और जो वाइट होता है, दैट इज, यू नो, दैट हैज गॉट प्रोटीन, और प्रोटीन भी सबसे आला किस्म का, ठीक है ना। तो अंडा इज एक्सट्रीमली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्स ऑफ विटामिन, एंड वी शुड ऑल बी इंक्लूडिंग इट इन आर डाइट रेगुलरली, ठीक है। इसमें कोलीन भी होता है, विच इज वेरी गुड फॉर आर ब्रेन। इसमें लूटेन और जियाक्सांथिन भी होता है, विच इज वेरी गुड फॉर आर आइज। मतलब कि मैं बोलती जाऊँ, मेरी उस वही वाली बात है कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। सो इट इज एक्सट्रीमली गुड। अब जो कि कुछ सवाल जो कि बहुत ज्यादा रेगुलरली आते हैं, मैं उन पे बात करना चाहती हूँ अंडों के लिहाज से। सबसे पहली बात जो आती है कोलेस्ट्रॉल और एग्स। आई एम श्योर कि अब पाकिस्तान में डॉक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स अब नहीं मना करते जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि न्यू रिसर्च सेज के डायट्री कोलेस्ट्रॉल से आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट नहीं होता। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो अंडे खा सकते हैं, वो अंडे खा सकते हैं। बिल्कुल, दोबारा से कहूंगी, डाइट्री कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को इफेक्ट नहीं करता। हमारे कोलेस्ट्रॉल को क्या चीज अफेक्ट करती है? सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट्स, ठीक है। ट्रांस फैट्स वो हो गए जो कि प्रोसेस्ड मीट्स में होता है, और जो कि आप टेक अवे और ये जो बाहर खाने खाते हैं वो ट्रांस फैट्स है। और सैचुरेटेड फैट जो कि गोश्त वगैरह में होता है, जो कि उसकी जो जो फैट होती है वो सैचुरेटेड फैट होता है। अंडों में भी सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन हेल्थी फैट ज्यादा होता है। और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन वंस अगेन, डाइट्री कोलेस्ट्रॉल विल नॉट अफेक्ट द कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी। यूके में हम जब काम करते हैं तो कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी गई कि आप कितने, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट हमें नहीं बताई गई कि आप अपने क्लाइंट्स को दें कि इतने अंडे खा सकते हो। कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। तो आप लेकिन अच्छा, फिर अब इसमें जो कितने भी अंडे खा सकते हैं, उसमें कोई हमें नंबर नहीं दिया गया साथ साथ, और कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी कोई नंबर नहीं दिया गया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ यू कुक योर एग इज इंपॉर्टेंट। सो डोंट यूज ऑयल, उसको पोच करें, उसको बॉयल करें, लेकिन डू नॉट यूज एनी ऑयल, एंड दैट्स वेयर द आपका कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जिनको फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, विच इज जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, उनको हम कहते हैं कि आप 3 से 4 अंडे हफ्ते में मत खाएं, उससे ज्यादा मत, क्योंकि उनके लिए नंबर दिया गया है। जिनको जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, मैं बार रिपीट करती हूँ, जिनको जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, उनको हम कहते हैं कि 3 से 4 अंडे हफ्ते में मत खाएं। उनको भी मना नहीं किया, अंडे आर सो गुड कि उनको भी मना नहीं किया। अंडे खाना नहीं बंद करना, जिस तरह से उसको पकाना है वो सीखना है। दैट्स नंबर 1। सो कोलेस्ट्रॉल की बात तो हो गई। अच्छा, नंबर 2, मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट बनाया था, हाँ, नंबर 2, ब्लड प्रेशर। आई एम रियली सरप्राइज कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमें हाइपर टेंशन का प्रॉब्लम है और हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, हमारे डॉक्टर ने मना किया। पहली बात तो ये कि प्लीज, आई वुड, जहाँ इस ग्रुप में जो डॉक्टर्स हैं, प्लीज वो मुझे कंफर्म कराएं कि वो क्यों कहते हैं कि आप ब्लड प्रेशर में अंडा मत खाएं। ब्लड प्रेशर, अंडे से आपका ब्लड प्रेशर अफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, कोई और भी, इफ समवन वांट्स मी टू डिस्कस इट विद देयर डॉक्टर, उनके डॉक्टर ने उसे कहा प्लीज मेरे उनके डॉक्टर से बात करें, क्योंकि अंडे आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेंगे। मैं बार बार जो बात सोचती हूँ कि प्रॉबेबली डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं, वो इसलिए मना करते हैं, वो सोचते हैं कि अंडे में फैट होता है
और इवेंचुअली बहुत ज़्यादा फैट हमारी हमारे आर्टरीज को क्लॉग करेगा और इवेंचुअली हमारा ब्लड प्रेशर अफेक्ट होगा. दैट्स अ वेरी लॉन्ग चेन. हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपना फैट इंटेक और किस तरह से कम करना चाहिए, हमें अपना सैचुरेटेड फैट किस तरह से कम करना चाहिए, हमें और नमक कम खाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. हमें अंडे से नहीं होगा, अंडे से आपका ब्लड प्रेशर अफेक्ट नहीं होगा. अगर आप बगैर तेल के उबला हुआ अंडा बगैर नमक के लेते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. नमक इज द कल्प्रिट, नॉट द अंडा. सो अंडा हैज नथिंग टू डू विथ ब्लड प्रेशर. Saying that, I have got a detailed video on hypertension, जिसमें मैंने बहुत ही तफसील से बात की है कि hypertension कैसे होता है, क्यों होता है और किस तरह से इसको control किया जा सकता है खाने के. मैं obviously मैं तो doctor नहीं हूँ, मैं खाने के लिहाज से बात करूँगी. ठीक है, तो अच्छा ये हो गया. तो एक तो cholesterol की बात होगी, एक blood pressure की बात होगी. तीसरा क्या question आते हैं, मैंने notes बनाते हैं. हाँ, तीसरा क्वेश्चन आता है ब्रॉयलर चिकन का अंडे और ब्रॉयलर चिकन, हम वो अंडे खा सकते हैं नहीं खा सकते. मैं अभी कमेंट्स नहीं पढ़ी कि मैं बोल रही हूं. तासीर गर्म होती है, सो देयर इज नो सच थिंग एज तासीर ठंडी गर्म. यू ऑल कैन हैव एग्स. ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, 40s में गर्मी पड़ती है. वहां पे कोई मना नहीं करता कि गर्मी में अंडे मत खाओ, सर्दी में मत खाओ. अंडे हैं, देयर न्यूट्रिएंट्स, दे गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यू कैन हैव एग्स. अच्छा, कमिंग टू द ब्रॉयलर चिकन, दिस इज अ वेरी, मैं इस पर बहुत ज्यादा, मुझे जब भी कोई पूछता है कि ब्रॉयलर चिकन के अंडे खाएं क्या करें, हम ब्रॉयलर चिकन खाएं उसके अंडे का क्या करें, किस तरह से करें, तो मुझे इस पर बहुत ज्यादा जवाब देना हाँ या ना में इसका जवाब नहीं है. ठीक है, हाँ, इजी बात, हाँ या ना में इसका जवाब नहीं. मैं थोड़ा सा इसमें दो तीन दिनों से मैं रीडिंग भी कर रही थी. बात ये कि मैं यूके में रहती हूँ, फिर मैं पाकिस्तान की तरफ भी आती हूँ. यूके में, यूएसए में उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि हम अपने चिकन्स को, हम अपने जो हमारे ब्रॉयलर चिकन्स हैं जो स्पेसिफिकली फार्मिंग के लिए हम करते हैं, हम उनमें हॉर्मोन्स इंजेक्ट नहीं करते, बाय लॉ यहाँ पे नहीं है. लेकिन फिर भी जो मुर्गियाँ, जो मुर्गी के अंडे हम खाते हैं वो लार्ज अमाउंट्स में बनते हैं ओवर द ईयर्स. उनकी जेनेटिक्स को थोड़ा चेंज किया क्योंकि वो ज़्यादा मोटे होते हैं, अंडे भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन हॉर्मोन उनमें कोई नहीं डाला जाता. हमें आज तक किसी ने, यहाँ पे यूके में हम नहीं ये कहते अपने क्लाइंट्स को कि ब्रॉयलर का अंडा मत खाओ या देसी अंडा खाओ या बस अंडा खाओ, हम ये कहते हैं यहाँ पे. ठीक है, हम चिकन का भी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देसी चिकन खाएं, नहीं अफोर्ड कर सकते आप वही नॉर्मल फार्मिंग. यहाँ पे ऐसी कोई हमें रेगुलेशंस नहीं बताई गई, नहीं कहा गया हुआ कि आप, हम बल्कि इनकरेज करते हैं कि जैसे भी अंडा हो प्लीज आप खाएं, जैसे भी मुर्गी हो प्लीज आप खाएं. यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं पाकिस्तान पे आती हूँ. ठीक है, तो जब मुझसे कोई सवाल करता था तो क्योंकि डॉक्टर्स भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मना कर रहे थे कि चिकन मत खाओ, मुर्गी मत खाओ, अंडे मत खाओ, मुझे मेरी समझ से बाहर था. मुझे ऑब्वियसली मुझे समझ नहीं आई थी कि क्यों मना करते हैं, और अभी भी मुझे नहीं पता कि वो क्यों मना करते हैं. मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं सही भी हो सकती हूँ. मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताती हूँ, मैं अपनी रिसर्च जो मैंने की है, फिर आप आगे आपकी मर्जी है. ठीक है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखती हूँ ये ब्रॉयलर चिकन के बारे में जो मैंने रीड किया. अच्छा, पहली बात तो ये कि जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इन मुर्गियों को हॉर्मोन्स देते हैं और ये हॉर्मोन्स में हाई, बात ये कि हॉर्मोन देना इज़ नॉट ईजी. अगर आप मुर्गियों में हॉर्मोन इंजेक्ट करेंगे तो आपको दो टाइम इंजेक्ट करना पड़ेगा, एक या दो टाइम. ठीक है, और आपको पता है कि इन फार्म्स में कितनी सारी मुर्गियाँ होती हैं, आपने एक एक मुर्गी को हॉर्मोन इंजेक्ट करना होगा. एक बंदा आपने रखा होगा और एक आपके पास हॉर्मोन्स होंगे इतने ज़्यादा, पता नहीं कितने मेल हॉर्मोन्स आपने रखे होंगे कि आप एक एक मुर्गी पे इंजेक्ट करेंगे. दिस इज़ हमारा एज अ कंट्री, एज अ पाकिस्तान का जब हम सोचते हैं तो इतनी गरीब कंट्री, इतने हॉर्मोन्स खरीदना, फिर उनके लिए इंजेक्शन लेना, उनको वो इंजेक्ट करना, इट डजंट मेक सेंस टू मी. अगर हो रहा है तो मुझे नहीं पता. ठीक है, लेकिन मेरी रिसर्च वही मैं कह रही थी कि आप खुद समझ लें कि आपने इसमें क्या इन्फ्लुएंस निकालनी है, क्या रिजल्ट निकालना है. ठीक है, तो अच्छा, एक तो ये बात, तो मेरी, मुझे हॉर्मोन वाली बात हजम नहीं हुई. ठीक है, मैं फिर भी रिसर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ कि भाई बार बार सब कह रहे हैं हॉर्मोन है, तो मैंने कहा क्या पता वो खाने में मिला देते हो हॉर्मोन. ठीक है, मैंने वो भी पढ़ा. अच्छा, जब मैंने वो पढ़ा मुझे ये पता चला कि अगर आप खाने में, मुर्गियों के खाने में हॉर्मोन्स डालते हैं, जो कि पता नहीं कैसे डालते होंगे, तो वो
डाइजेशन में वो हार्मोन लूज हो जाता है मुर्गियों का, तो उनको उस हार्मोन का असर ही नहीं होता. मैंने लिखा हुआ था, डाइजेशन ऑफ बर्ड्स इज सच दैट इट डिस्ट्रॉयज दोज हार्मोन्स. तो डाइजेशन का प्रोसेस में ही वो हार्मोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, मैं खुद भी देखिए मैं भी सीख रही हूँ आप लोगों के साथ, मैं भी रिसर्च कर रही हूँ. ऐसे हम हवा में हमें पता नहीं चलता, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ जब जैसे जैसे सवाल आते हैं मेरे पास. तो फिर मुझे ये पता चला कि अब ब्रॉयलर चिकन का जो अंडा है ना, उसमें हार्मोन है और ना उसमें खाने के थ्रू हार्मोन आता है और ना उसमें हार्मोन इंजेक्ट किया जा रहा है. तो भाई क्या मसला क्या है, क्यों मना कर रहे हैं? तो मुझे अभी तक पता नहीं चला. मेरे जहन में अच्छा, और जो कहते हैं ना कि ये जो चिकन होते हैं ये बहुत मोटे होते हैं या अंडे देते हैं, दैट इज ट्रू. वो जेनेटिकली वो ओवर द ईयर्स हुआ है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, वो सब तमाम कंट्रीज में हुआ है. वो जेनेटिकली इनको थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया ताकि वो ज्यादा अंडे दे सके, बड़े हो सके, लेकिन इसका हार्मोन से कोई ताल्लुक नहीं है. और अगर कुछ प्रॉब्लम होती, क्योंकि यहाँ पे भी तो इतनी बड़ी बड़ी मुर्गियाँ अंडे देती, हमें भी बताते, हमें रेगुलेट करते, कहते कि आप मना करें अपने क्लाइंट्स को कि ये मत खाएं. खैर, तो मैं अब इसी कन्फ्यूजन में हूँ. ठीक है, अब मैं इसी कन्फ्यूजन में हूँ कि जब मुझसे कोई ब्रॉयलर चिकन का के अंडे का या ब्रॉयलर चिकन का पूछा तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसको क्या जवाब दूँ. तो अच्छा, अब इसमें ये है, मेरे जहन में बस फिर यही बात आ रही थी कि चूंकि अच्छी बात नहीं मैं करने वाली, लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मिलावट है, इट्स नॉट ए नाइस थिंग फॉर मी टू से अबाउट माई कंट्री, बट चिकन क्या हो गया, गंदम, चीनी, हर चीज़ में मिलावट है. तो हो सकता है कि वो जो फीड मुर्गियों को दे रहे हैं वो अच्छी नहीं दे रहे, उसकी वजह से अंडे अच्छे नहीं आ रहे, या कहीं उसमें गड़बड़ है. बहरहाल हाँ, चिकन फीड इज़ नॉट गुड, ये मेरे जहन में भी आ रहे थे. तो अगर तो ये मुझे है ना, मुझे भी ये लग रहा था कि हो सकता है कि चिकन फीड बहुत ख़राब करते हैं जिस तरह, लेकिन फिर भी उसमें हार्मोन्स तो हमारे इफेक्ट नहीं होंगे ना. उसमें ये है कि जब चिकन को फीड आप अच्छी नहीं देते, उसकी न्यूट्रिएंट्स की कॉम्पोजिशन अफेक्ट हो जाती है और वो अंडा शायद इतना न्यूट्रिशियस ना हो. लेकिन हार्म के लिहाज से मैं सोचती हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या, क्यों ऐसा है और क्यों ऐसे बात करते हैं लोग. बहरहाल, दिस आई लीव इट टू यू गाइस, लीव इट टू योर. मैं अपने जब फैमिली से बात करती हूँ, मैं अपनी जब मदर से बात करती हूँ तो पाकिस्तान में ही है, और मैं जब उनको हेल्थ के बारे में बताती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि बेशक आप ज़रूर खाएं, आप वही अंडे खाएं, वही चिकन खाएं, लेकिन अगर आपको बहुत ही स्ट्रेस हो रही है, जो मैं अपनी मदर से भी कल बात करी थी, मैंने कहा बहुत टेंशन हो रही है कि तो 3 से 4 अंडे हफ्ते में ज़्यादा मत खाएं, ठीक है, लेकिन अंडे ज़रूर खाएं. सो 3 to 4 eggs, ठीक है, रोज़ाना 2-2 अंडे मत खाएं. तो हाँ, फीड इज़ वेरी अनहाइजीनिक, रूबी भी यही कह रही है. मेरे जहन में यही बात आई, मेरे जहन में, और ये जो है ना, ये हार्मोन और ये इतना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सस्ते नहीं है. तो बहरहाल, तो फिर वही वाली बात है कि न्यूट्रिशन अफेक्ट होगा एग का, लेकिन इसमें ये और प्रॉब्लम्स नहीं आते. तो बहरहाल, आई लीव इट टू यू गाइज, ठीक है, इट्स योर गाइज डिसीजन. लेकिन बहरहाल, मैं ये सोचती हूँ कि डॉक्टर्स को इतना क्लियर कट ना नहीं मना नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल मत खाओ. तो वही मैं कह रही हूँ कि 3 से 4 अंडे आप हफ्ते में खा लिया करें. चिकन का भी, अब खैर ये तो मेरे अंडे पे वीडियो है, लेकिन मैं चिकन का भी ये कहूँगी कि आप ऐसे करें कि हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा, एक टाइम, जैसे अगर पोर्शन में खाएं 60 to 70 ग्राम्स, और हफ्ते में अगर 2 दफ़ा खाएं तो कितना ही खा लेंगे. दालों से अपना वो प्रोटीन लें, और मीट से अपना प्रोटीन लें, फिश का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दें. तो ये मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है कि यू बिकम द जज योर सेल्फ, ठीक है, कि किस, जस्ट वे आउट, ठीक है ना. जैसे वो कहते हैं ना कि वो फैट है इसमें, अंडे में फैट, आप ये सोचें कि उसमें एक तो हेल्थी फैट है, और ये सोचें कि उसमें कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं. तो वो मैं फिर कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को, कहती हूँ कि आप सोचें कि क्या आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इतना सा फैट है, आप अपना फैट दूसरी चीज़ों में कम कर लेना, अंडा क्यों छोड़ रहे, ठीक है. सो आई थिंक दीज वर द फ्यू ऑफ माई पॉइंट्स. कि बार बार ये फेसबुक पे क्वेश्चन आ रहे हैं ब्रॉयलर का ब्रॉयलर एग्स, ब्रॉयलर चिकन. सो आई थॉट इसका मैं आंसर है, मैं खुद भी बहुत दिनों से इसके बारे में पढ़ रही थी. बहरहाल हाँ, और तो मैंने कोई पॉइंट्स नहीं बनाए. हाँ बस दैट सेट, यही थे मेरे पॉइंट्स. ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि इस पर एक पोस्ट भी बनाऊँ इंस्टाग्राम पे अपने, थोड़ा सा डिटेल में लिख, कोई सम पीपल लाइक टू रीड थिंग्स, तो मैं वो लिख के बता दूंगी, और फिर शायद एक टिकटॉक भी बना लूँ. चलो ठीक है,
अपना बहुत ख्याल रखें. आई लव ऑल ऑफ यू अ लॉट. रिमेंबर गाइज, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल. ठीक.